आंसू देखे जी, आंसू देखे इनके, आंसू देखे बेचारी के किस तरह आंसू बहा रही है, आंसू देखे इनके किस तरीके बहा रही है। अल्लाह फजल करे, अल्लाह रहमत करे, फजल करे जी उसके ऊपर, रहम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विवाद, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुशियाँ दे, सलामती दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई दे। जो प्यारे इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, उसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे। जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा दे, और जिनके यहाँ औलाद नहीं अल्लाह ने साले औलाद का फरमाए, आपकी तमाम परेशानियाँ जो हम दूर करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से अपनी गैब से मदद खसूसी करे, रिज़्क में ईमान में बरकत दे, रिज़्क में ईमान में बरकत दे। अब बच्चों ने स्कूल जाना है, मैंने भी उनको स्कूल छोड़ना है क्योंकि लेट हो रहे हैं हम, और सर्दियां हैं बहुत वसी, और सुबह सुबह ठंड के बीच में इनको छोड़ने जब जाऊंगा कितनी मुश्किल होगी, वापसी आऊंगा फिर मुश्किल होगी, वरना छोड़ना है, उठाना भी है, छोड़ना भी है, और दो चक्कर लगते हैं। अल्लाह ताला फजल करे, आसानी ता फरमाए। अब मैं ना आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मैंने नाश्ता भी करना है, नाश्ता करके फ़ौरन जो है मैंने निकलना है। आंसू देखे जी, आंसू देखे इनके, आंसू देखे बेचारी के किस तरह आंसू बह रही है, आंसू देखे इनके किस तरीके बह रही है। अल्लाह फजल करे, अल्लाह रहमत करे, फजल करे जी उसके ऊपर, रहम करे। आप बच्चों को स्कूल छोड़ना है, नाश्ता मैंने करना है, इसके बाद जो है बच्चों को स्कूल छोड़ना है, और नाश्ते में आज जो है चने बेगम ने बनाए थे चने, उससे बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, और कुछ जो है चाय के साथ, और चाय जो है वक्कर पी रहा है, वक्कर ने पी ली, पी ली है, चलो शुक्र है जी, शुक्र है वक्कर ने पी ली, और चने के साथ जो है नाश्ता बच्चों ने किया है, और चाय आखिर पे पी रहे हैं, और बाकी बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। मैंने भी नाश्ता करना है, यहाँ पर मच्छी हो, मच्छी बेगम कहती है जी, मच्छी हो, मच्छी मच्छी बेगम के जो है ना आंसू, आंसू देखिएगा वो क्यों बह रही है, ये देखे आपके सामने आंसू बिचारी के, कितने आंसू निकल रहे हैं आंखों से, ठीक है जी, और ये इतनी मुश्किल हो रही है, इसकी वजह आप वीडियो में देखेंगे आपको मालूम हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल करे, रहमत करे, इतनी तेज हवा चली हुई है बेटा, जरा दिखाओ तेज हवा कितना चल रही है, जूम करके दिखाएं वो सामने दरख्त, और ये अंदर हवा आती है ना, ये पर्दे यानी कभी लगे नहीं है, पर्दे लग गए ना हमारे लिए सारी हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करे अपनी रहमत से, इंशाल्लाह इसको लगवाते हैं, इनको लगवा कर देते हैं, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से लग जाएंगे। और आज के व्लॉग का आगाज करते हैं, सुबह सुबह नाश्ता हो रहा है, तकरीबन सुबह क्या इस वक्त 9 बज चुके हैं बच्चों का, और जब मैं यहाँ 5:15 बजे का आके बैठा हूँ ना, 5:15 बजे का, और यकीन जाने कि जब नमाज पढ़ के फारिग हुआ और उस वक्त से ठंड के बीच में यहाँ बैठे हैं, ठंड के बीच में, और हवा इतनी तेज चल रही है, देखे इतनी तेज कि मैं आपको क्या बताऊँ, अंदर जो हल्का सा झोंका भी है ना हवा का, ठंड इतनी होती है कि ये पहाड़ी इलाकों से गुजर के यानी कि शुमाल साइड की हवा चल के आती है, शुमाल साइड की, ठीक है जी, और ये जब आती है थोड़ा थोड़ा अंदर झोंका हल्का हल्का भी आया, एक तो बेगम के लिए मुश्किल, बच्चों के लिए मुश्किल, सर्दी में बैठना मुश्किल होता है, और इतनी ठंड होती है कि यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है कि, और ये सीधा ये देखिए कि कम अज़ कम रूटीन हमारी यही होती है कि 5:30 बजे उठे, 5 बजे उठने के बाद यानी कि फिर वाशरूम से फिर आगा, उसके बाद वजू किया, नमाज पढ़ने के लिए तैयारी, 5:30 भी सॉरी 6:45 भी हो जाते हैं, कभी 6 भी बज जाते हैं, लेकिन रूटीन यही जो बता रहा हूँ इसी तरह यानी कि डेली बेस पे आप उठते हैं, तो यहाँ ठंड में आके फिर मेरे लिए खासतौर पर बड़ा मसला बनता है यहाँ बैठना, मेरी टाँगों को ठंड लगती है, हाथों को ठंड लगती है, मैं ताशे को फिर नमाज पढ़ के यहीं बैठा रहता हूँ, जिक्र अज़कार करता हूँ, कुरान पाक की तिलावत, और फिर उसके बाद जो है बेगम यहाँ नाश्ते का आगाज करती है, बच्चे भी आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी नाश्ता कर रहे हैं इस वक्त, और उनको फिर सुकून भी हमें छोड़ना है। ये देखें ब्रांडों की सूरत हाल आपको हम दिखा रहे हैं, इसमें ब्रांडे ये हमारे जो ब्रांडे हैं इनके अभी तक हमने पर्दे नहीं लगवा सके, एक तो यानी कि मेरे पास टाइम नहीं बनता, दूसरा ये कि जो टाइम से बना यानी कि भाई की देखभाल के सिलसिले में वहाँ भी आना जाना होता है, उनकी क्योंकि इलाज चल रहा है, उनका इलाज चल रहा है, दुआ करें अल्लाह उन्हें से मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा अता फरमाए। ये है जनाब 1, 2, 3, 4 और उस साइड की यानी कि 2 यानी 6 हमें जाना लेनी है, अपना क्या नाम है उसका
पढ़ते इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा ले लेंगे इंशाल्लाह ले लेंगे अल्लाह खैर करेगा और उनको फौरन इंशाल्लाह लगवा के देते हैं आपको इंशाल्लाह को उम्मीद है कि सुबह वाली वीडियो में खुशखबरी दिखाएंगे सुबह वाली वीडियो में उम्मीद बड़ी है कि सुबह वाली वीडियो में इंशाल्लाह आपको खुशखबरी दिखाएंगे। और अबू बकर जो है ना वो सामने खड़ा है जनाब अबू बकर बैठ जाओ नाश्ता करो खाना खा लो। ये क्यों उठा हुआ है बड़े कप में चाय लेनी है ये सैकली भी इनको टूटी हुई है दो दूसरी जनी के लेके आए थे ये दोनों तोड़ दिए इसने पहले वाली तो बिल्कुल बेकार थी नकारा और ये जो है थोड़ी अच्छी मजबूत थी लेकिन ये भी टूट गई है ये भी टूट गई है और इतनी खास चीज अच्छी होती नहीं है और अच्छे वाली जो है वो बहुत महंगी है 18,000, 20,000, 40,000, 50,000 इस तरह की है वो प्लास्टिक के बीच में आती है अपना गाड़ी टपनी माँ की लेकिन इतना हम कैसे अफोर्ड करें थोड़ी बहुत जो जो समझ आती है 1,500-2,000 तक की इनको हमने लेके दी थी ये तकरीबन आई थी मेरे ख्याल में कोई 1,800 रुपए की ठीक है जी ये इनको लेके दी थी हमने ये देखा आपने अपनी बहना के कान में अभी भी कह रहा है जी गाड़ी लेकर दो कार डाला प्लास्टिक वाला मिट्टी मिट्टी लोड करेगा है कार होती है मतलब बेटा बता रहा हूँ वो तो है ना अपना क्या नाम है मैंने पूछा था 18,000 रुपए की 25,000 हाँ लेके तुम अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे अल्लाह देगा तो इंशाल्लाह ले देंगे जी जरूर लेके देंगे आपके भैया को ये देख ले फिर भी अब बकर के लिए कोई ना कोई प्लास्टिक की हम गाड़ी खड़ी ले जाते हैं लेकिन ये कि बाकी बच्चों के लिए यकीन जाने हाँ आमना के लिए भी आती रहती हैं आमना के लिए भी उसके लिए भी दोनों आती रहती हैं इससे पहले जितने मेरे यानी कि 5 बच्चे जो पहले वाले हैं उनके लिए जब अहमद को पैदा हुआ था उस वक्त भी हम लेते रहे अहमद गुल के वक्त भी और बड़ी बेटी के वक्त भी हमने ली यानी कि उसका दुखा ली लेकिन जितनी अब इस बार यानी कि वक्र और आमना के लिए आती हैं इतनी किसी के लिए नहीं आई इसमें फातिमा आयशा के लिए तो उसके लिए और बिलाल के लिए तो बिल्कुल आई ही नहीं है उनकी तो हमें शक्ल ही नहीं देखी यानी कि उस रात के बच्चों को लेकर दें कि ना लेकर दें फुर्सत नहीं होती थी कि हालांकि वो 10-20 रुपए की या 50 रुपए की बात नहीं थी लेकिन यह कि वो हमारी हांडी पक जाती थी हमें यानी कि ये खुशी होती थी कि हम रोटी तो खा लेना। अच्छा वक्र क्या कहता है कार पे बैठ के मैं जाऊंगा बाजार चीज लेने वक्र हमारा वक्र अबू बकर जी इधर तो देखो ना क्या लेना है बताओ कार लेकर दो इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह अल्लाह ताला देगा अल्लाह देगा बड़ी गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह बड़ी कार लेंगे नहीं नहीं दूसरी चलने वाली लेंगे इंशाल्लाह वो भी चलती है प्लास्टिक वाली तो वो भी चलती है हाथ से भी चलती है ऐसे ऐसे आपने फातिमा ने गुस्सा कर दिया देखा आपने हमारी फातिमा बड़ी गुस्से वाली है जी बड़े गुस्से वाली लेकिन बड़ी जहीन है माशाल्लाह बहुत जहीन है समझदार है बहुत समझदार है माशाल्लाह अपने टीचर एक दफा इनकी टीचर ने इनसे मजाक किया उसने कुछ पढ़ाया इनको तो ये कहती नहीं ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है अच्छा उसने फिर दोबारा पढ़ाया इसने उसके एहतराम में खामोशी हुई इस तरह 3-4 दिन उनके साथ मजाक किया आखिरकार 5वें दिन मेरे ख्याल में कहती है टीचर उसको जब कहा कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना है इसने कहा नहीं टीचर आप झूठ बोलती हो अच्छा इसको नहीं पता था इस वीडियो बना रही थी वो उसने वीडियो मुझे सेंड कर दी क्योंकि उनके शोहर जो है वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त है उन्होंने मुझे सेंड कर दी तो कहती है ये देखो जी तुम्हारी बेटी ने हमारी बेगम को क्या बोला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है यकीन जाने कि ठंड इतनी बेताशा और सर्दी सूर्य निकलने का नाम ले लेता और ऐसी यानी कि सूरत बनी हुई है जिस तरह ये मौसम है ऐसे हिसाब से तो यकीन जाने डेली बेस पे ना मटन या बीफ हो वो पड़ा हो हमारे पास स्टोर और उसमें से उठाएं और डेली यानी कि यखनी के लिए थोड़ा सा छोड़ दें यखनी बनती रहे और उसमें से यानी कि निकाली और पी ली जब जरूरत पड़ी दोबारा गर्म की और पी ली इस तरीके यानी कि ये वक्त गुजरेगा। मेरा जो नाक है ना नाक आपको शायद नज़र सही यहाँ आए या ना आए मेरे ये होट सामने वाले पक गए थे इसके अलावा वो नाक जो है ना अभी भी उस वक्त दर्द कर रहा है यानी कि मैंने जो हाथ उनका तो लगाया ना ऐसे दर्द कर रहा है
क्योंकि ये नाल मेरा पक चुका है और सर्दी बेताशा इतनी वसी सर्दी कि मैं आपको क्या बताऊँ, यही कि यखनी होना बंदे के बस वो पीता रहे, जो डॉक्टरों को जाके हमने पैसे देने ना दवाइयों के इलाज के लिए, उससे इतना फ़ायदा भी नहीं होता। शिफा तो अल्लाह ने देनी है, ये बात तो मानते हैं शिफा अल्लाह ने देनी है, लेकिन यानी कि उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यानी कि यखनी के साइड इफेक्ट नहीं। इसी तरह सारे बच्चों को भी फायदा हो जाएगा, हमें भी फायदा होगा, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है यखनी, पीनी चाहिए, सारा हाल में पीनी चाहिए और वैसे भी पीनी चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट नहीं, बकरा सेहत के लिए फ़ायदा होता है। अब मैं नाश्ता करूँगा, आपसे जाना चाहता हूँ, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला फजल करे, आप पर रहम करे, अल्लाह सरिता पर मैं, बाकी दुआ में याद रखना है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।